तो रास्ता में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, वो मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी चला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों का साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, इसका बाद में आपने क्या किया, क्या असर उठाया, क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? अभी भी देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा देश को स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? अगर आपका साथ पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको तो पता था 3 महीने का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर का बात करते हो, तो हिंदू मुस्लिम करते हो, अच्छे दिन के नाम पे नोटबंदी कर दिया, अच्छा दिन के नाम पे रेल बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे किसान बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे एयरपोर्ट बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे बैंक बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है। हम कोई देश का खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ में जरूर हूं। जो बीजेपी का कुछ काम करना नहीं आता, खाली झूठ बात कहते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं, ये आपको याद रखना है। हमें भी लड़ने का हिम्मत है, बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ में है।